खबर देवरिया जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिला मुख्यालय के साकेत नगर में पहुंचे और देवरिया जनपद के पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूलाल यादव के श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की और उन्हें पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उसके बाद बंद कमरे में शोकाकुल परिवार से मिले। पत्रकारों से बात करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ पर व्यंग्य बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रैफिक का इंतजाम अब सांड को दे दिया है और सीएम को माफियाओं की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर से मुकदमे न हटाते तो उनकी लंबी चौड़ी चार्जशीट होती। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आपस में इंजन इंजन खेल रही और आपस में टकरा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास ना तो स्थायी रूप से डीजीपी है ना तो चीफ सेक्रेटरी है। वहीं नगर निकाय चुनाव पर बात करते हुए कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता में जो बीजेपी ने प्रदूषण फैलाया है उसकी सफाई अब इस बार जनता करेगी। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जब गोरखपुर में पानी बरसेगा तो लोग नाव पर चलेंगे और योगी आदित्यनाथ को और प्रदूषण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लखनऊ वाले लोग छापा मार रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली वाले छापा मार रहे हैं लखनऊ में। आप ये बताइए, यहाँ के उद्योगपति पर दिल्ली की एजेंसी ने छापा मारा है, प्राइम मिनिस्टर के बगल में जो वाईफाई इस्तेमाल कर रहा था उस पर छापा यूपी की पुलिस ने मारा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार आपस में इंजन इंजन खेलने एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और फिर जिस मुख्यमंत्री के पास कार्यकारी डीजीपी होगा उससे क्या उम्मीद करोगे कि लॉ ऑर्डर बेहतर हो जाएगा? जो मुख्यमंत्री अपना डीजीपी ना बना पाए, जो मुख्यमंत्री अपना चीफ सेक्रेटरी ना बना पाए उससे क्या उम्मीद करोगे कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा? अरे भाई, मैंने कहा यूपी की पुलिस दिल्ली में छापा मार रही है, दिल्ली की एजेंसी यूपी में छापा मार रही है, तो ये क्या चल रहा है? ये लग ये रहा कि एक दूसरे से इंजन टकरा रहे हैं आमने सामने। देखिए, मुख्यमंत्री जी को माफियाओं की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए है क्योंकि अगर उन्होंने अपने मुकदमे ना हटाए होते तो उतनी लंबी चार्जशीट होती उनकी। कितनी लंबी चार्जशीट थी उनकी, कितने मुकदमे थे उनके ऊपर, तो सोचिए। गोरखपुर देवरिया आसपास में अगर नंबर एक पे माना जाता तो केस वापस नहीं लेते तो क्या मुख्यमंत्री जी किस स्थान पर होते हैं?